Sejal and you're watching Sage Learning. So guys, without wasting much of our time, with full of concentration and focus, let's go on to our poem, The Person I'm Looking For. ये poem Hazara Singh ji ने लिखी थी. इस poem में बेटा कुछ नहीं है, simply छोटे छोटे चार stanzas है और हर एक stanza के अंदर इंसान की दो से तीन खूबी लिखी हुई है, qualities mention दी गई है. और इस poem में हर एक stanza के नीचे आपको मिलेगा you may be the person I'm looking for. मतलब कि हजारा सिंह जी कहते हैं कि अगर आपने ऊपर मेंशन की गई क्वालिटीज हैं, तो आप वो व्यक्ति हैं, आप वो पर्सन हैं जिसकी मुझे तलाश है. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. फर्स्ट स्टैंजा में ये है, इफ यू डू नॉट गेट लोवर्ड इन योर आई सो बाई यू रेज योर सेल्फ इन दोज ऑफ अदर्स. मतलब कि अगर दूसरों की नजरों में उठते वक्त आप खुद की नजरों में ना गिर जाओ, यानी कि आप कोई ऐसा काम ना करो जिससे आप दूसरों की नजरों में तो उठ जाओ पर खुद की ही नजरों में गिर जाओ, तो आप वो व्यक्ति हो जिसकी मुझे तलाश है. इफ यू डू नॉट Give into gossips or lies. मतलब आपका ध्यान अगर दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके पीछे, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है आपका, और आप उस टाइप के बंदे हो कि who bothers, जो बोले कि who bothers, मतलब किसको किसको परवाह है, तो then you are the person I am looking for. If you crave not for praise when you win and look not for sympathy when you lose. मतलब जब आप जीतते हो तो आपकी कोई इच्छा नहीं होती ऐसी कि लोग आपकी जयजयकार करें, लोग आपकी बड़ाई करें, लोग आपको प्रेज करें, और जब आप हारते हो तो साथ ही आपको सिंपैथी की भी जरूरत नहीं होती है व्हेन यू लूज. तो देन यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. अगर आप जीत गए हो, इफ चीयर्स लेफ्ट योर हेड टॉस और स्पिन, का मतलब है अगर आप जीत गए हो तो आप सातवें आसमान पर नहीं हो, और साथ ही जब अगर आप हार गए हो किसी वजह से, आपका सेटबैक हो गया, तो आप लोगों को एक्सक्यूजेज नहीं देते. यू डू नॉट ऑफर एक्सक्यूजेज व्हेन यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. इफ यू एक्सेप्ट काउंसिल विदाउट गेटिंग, मतलब आप लोगों का ज्ञान, लोगों की अच्छी बात, लोगों की एडवाइस एक्सेप्ट करते हो विदाउट गेटिंग स्कोर, विदाउट गेटिंग बोर, विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड, विदाउट गेटिंग प्रोवोक, विदाउट गेटिंग एंग्री, देन और साथ में और साथ ही साथ इंप्लीमेंट भी करते हो उनकी एडवाइस को, देन यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. इफ यू प्लेज नॉट टू बी ऑब्स्टिनेट एनी मोर, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न. अगर आप जिद्दीपना छोड़कर, अपना ईगो साइड में रखकर, अपने प्रिंसिपल साइड में रखकर लोगों से मिलते हैं विदाउट स्पॉन और स्क्रफ, मतलब बिना किसी घमंड के, बिना किसी गर्ने वाले एक्सप्रेशन के आप लोगों से मिलते हैं डिसअपॉइंटमेंट के बिना, अगर आप लोगों से मिलते हैं, देन यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. इफ यू हैव द विल टू लिव एंड करेज टू डाई, मतलब आपने जीने की ताकत और मरने का साहस है, और साथ में आप लोगों के लिए बीकन लाइट है. बीकन लाइट का मतलब ऐसी लाइट, ऐसी रोशनी जो लोगों को उजागर करे, जो लोगों को गाइड करे, इन्हें राइट वे गाइड करे, देन यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. इफ यू इग्नोर द जीयर्स, मतलब लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपका क्या मजाक उड़ा रहे हैं पीछे, वो सबको इग्नोर कर आप झूठ को उजागर, एक्सपोज द लाइट का मतलब झूठ को उजागर करने की ताकत रखते हैं. झूठ क्या है यहाँ पे, दैट वर्च्यू एंड सक्सेस डू नॉट गो साइड बाय साइड. मतलब कि वर्च्यू मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी और सक्सेस साइड बाय साइड साथ ही साथ नहीं चलते, ये एक झूठ है जो सदियों से चला आ रहा है. आप इस झूठ को एक्सपोज कर लोगों को ये बताते हैं कि वर्च्यू और सक्सेस साथ में साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, हमेशा साथ ही साथ रहते हैं, देन यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, ऐसा हजारा सिंह जी कहते हैं. तो बस ये सिंपल सी छोटी सी पोयम थी जिसमें कुछ क्वालिटीज मेंशन है. अगर आप ये क्वालिटीज याद कर लेते हैं तो बेटा बेटा ये पोयम कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है. मैं समराइज कर देती हूँ इस पोएम में क्या क्या क्वालिटीज मेंशन है. फर्स्ट स्टैंजा में ये है कि आप दूसरों की नजरों में उठते वक्त खुद की नजरों में ना गिरे, साथ में आप गॉसिप और लाइज जो आपके बारे में बातें हो रही है उसके ऊपर ध्यान ना दें. सेकंड स्टैंजा में ये है, अगर आप जीतते हो तो आपको प्रेज की चाह नहीं होनी चाहिए, और अगर आप लूजते हो मतलब हारते हो तो आपको सिंपैथी नहीं चाहिए होनी चाहिए, और अगर आप जीत गए हो तो आप सातवें आसमान पर ना हो, और अगर आप हार गए हो तो आप एक्सक्यूजेज ऑफर ना करो. थर्ड स्टैंजा में ये है कि आप दूसरों की एडवाइस को सुनो और उनको इम्प्लीमेंट करो, साथ में दूसरों से जब आप मिलो तो आपने घमंड या किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए. फोर्थ स्टैंजा में ये है कि आप पर लोगों के लिए बीकन लाइट का काम करो, मतलब आप लोगों के लिए ऐसी रोशनी बनो जो उनको हमेशा राइट पाथ में डायरेक्ट करे, साथ में आप लोगों की जो बेकार बातें हैं जो आपके बारे में बनती है पीछे पीठ पीछे उसको इग्नोर करना सीखे, और आप ऐसे एक लाइफ को एक्सपोज करें जो हमेशा चलता आ रहा है, दैट इज वर्च्यू और सक्सेस साथ ही साथ नहीं चलते, ये लाइफ को एक्सपोज करना है, ये झूठ को एक्सपोज करना है. ओके थैंक यू. तो बस इतनी सी ये वीडियो थी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो.
I hope you liked it. If you liked it, then please subscribe my channel and share this.